दोस्तों आपको अब तक बखूबी अंदाजा हो चुका है कि फेक प्रोजेक्ट और ऑथेंटिक प्रोजेक्ट का डिफरेंस क्या है या नंदर इतना पता लग गया कि कम से कम आप आगे रिप ऑफ नहीं होंगे अपना टाइम नहीं लूज करेंगे अपना पैसा नहीं लूज करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपनी बिड नहीं लूज करेंगे बट अब यह डिटर्मिन करना जरूरी है कि एज वी मूव अलोंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ बिडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन क्या है जी सवाल पूछना क्यों जरूरी है अगर छोटा बच्चा किसी बड़े के साथ बैठा हुआ हो तो वो इतने सवाल पूछ लेता है बिकॉज वो क्यूरियस होता है कि आप जब तक जवाब दे सकते हैं आप जवाब देते हैं और एक वक्त आता आप कहते हैं बस कर दे भाई कितने सवाल पूछेगा इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ एस्किंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट डू नॉट बंबार्ड यूर विद विदियंस ऑफ क्वेश्चन इन

आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं एक कवर लेटर पॉपुलेट करने का और एक अपनी बिड पॉपुलेट करने का कवर लेटर में तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं बिड में आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन उतने ही पूछे जितना एम्प्लॉयर जवाब दे सकता है मिसाल के तौर पर वाई वी शुड डेस्ट क्वेश्चन देखिए मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं एक प्रोजेक्ट पोस्ट हो गया एम्प्लॉयर वॉन्ट्स टू गेट अ लोगो डिजाइन फॉर देयर कॉपोरेट बिजनेस दैट्स अबाउट इट मैंने देख लिया एम्प्लॉयर अथेंटिक है उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है उसने प्रीवियसली भी फ्री किया अगर मुझे प्रोजेक्ट अवॉर्ड हुआ और मैं जो इस बेट करल है वो अथेंटिक है अब यह भी डिटर्मिन करना जरूरी है कि अगर उसने वन लाइनर लिखा हुआ है तो वह एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एज ए फ्रीलांसर उससे सवाल पूछेंगे बिकॉज अगर मैंने एज एन एंप्लॉयर आपसे यह कहा हजरात मुझे एक अदद लोगो चाहिए अब आप मुझसे क्या लॉजिकल सवाल पूछेंगे हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्लैप फॉर यू आप मुझसे पूछेंगे कि आपके कंपनी का नाम क्या है दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप कौन सा रंग पसंद करते हैं अपने लोगों के लिए आपको किस तरह का डिजाइन पसंद है ये तीन इंपॉर्टेंट सवालत हो गए ना अब जब आप ये सवाल पूछेंगे तो जाहिर है कि मैं आपको जवाब आप भी दूंगा तो सवाल पूछने की अहमियत इम्पॉर्टेंस खातिन हजरत बहुत ज़्यादा है वेन यू आस्क क्वेश्चन एम्प्लॉयर एक्चुअली गेट प्रिवलेज एंड फोर्स टू रिप्लाई यू बिकॉज वैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर बेड करते हैं और अगर आप सवाल का आंसर नहीं रखते तो एन मुमकिन है कि आपका प्रोजेक्ट ऐसे ही गुजर जाए एम्प्लॉयर की नजर से ना गुजरे और वो आपको कहे कि अच्छा चलो आई विल गेट बैक टू हिम सूनर और लेटर बट वेन यू एस क्वेश्चन गुड चांस दैट यू आर एक्चुअली इंकरेजिंग एम्प्लॉयर टू रिप्लाई टू रिस्पॉन्ड एन ओपन प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड रिमेंबर इन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस यू एज अ फ्री लांसर डू नॉट है

by putting the cover letter which is basically your introduction who you are your experience the projects uh, you have been working on the industries you have worked with and then there is a bit which actually is your portfolio what you want to do with that particular project what is your course of action आप करना क्या चाहते हैं आप करेंगे कैसे दो इंपॉर्टेंट बातें आप करना क्या चाहते हैं और आप करेंगे कैसे और उसी में आप सुविधात भी पूछते हैं कि भाई आपने लोगों तो मांग लिया हजूर यह भी बता दीजिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है यह भी बता दीजिए कि आपको किस किस तरह के रंग इम्प्रेस करते हैं और हाँ ये भी पूछ लीजिएगा कि भाई आपको कोई प्रेफर्ड चॉइस है कि इस तरह का लगभग आपने कहीं देखा था लोगो और आपको वो पसंद आया तो आप आ, जो है वो उस तरह का लोगो बना दें मेरे साथ पर्सनली बहुत हुआ है मैं लाहौर का रहने वाला नहीं हूँ मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है एक एम्प्लॉयर उस पाकिस्तान का रिहायशी उन्होंने प्रोजेक्ट पोस्ट किया और गुरु डॉट कॉम और जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि जनाब आपको किसी किस्म का लोगो प्रेफरेंसेस हैं कोई पसंद है तो मुझे आगे से जवाब मिला हाइपर स्टार क्योंकि यार मुझे ये वन लाइनर पसंद है फिर मैंने उनको आगे एग्जाम्पल दी माइक्रोसॉफ्ट भी तो यही करता है पूरा नाम लिखता है डेल भी तो यही करता है कॉम्पैक्ट भी तो यही करता है याहू भी तो यही करता है गूगल भी तो यही करता है इंप्लॉय ने कहा हाँ एग्जैक्टली exactly तुम सही जगह पे पहुंच गए हो मुझे अपने ब्रांड का पूरा नाम चाहिए इस कलर सिलेक्शन के साथ सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ फ्रीलैंसर टू एस्क क्वेश्चन आई होप दैट मेक्स सेंस